45 फोर्थ मॉड्यूल के साथ डायरेक्ट 45 डायरेक्ट फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा हूँ। 10 दिन 10 वीडियो डालने का चैलेंज लिया था मैंने। क्या यहाँ पे क्या यहाँ तो करने दो। पेट्रोल मस्त एकदम बढ़ा लिया गया है क्योंकि पूरा का पूरी टंकी खाली हो गई थी। अभी थोड़ी सी भरी है, 2 लीटर आया, 100 रुपये पर लीटर का हो गया। इतना महंगा क्या कर सकते। ये तो हॉर्न है, दो ही हॉर्न है, चालू ही वाला बटन में, इसमें दोनों में हॉर्न है तो ये चले ना, वो चालू का बस। अब रेस दो तो रेस जोर से मत देना, वो चल जाएगी। हाँ सच मारो। कहाँ से दो? अरे भाई आराम से। आई एम नूब। अरे भाई थोड़ा सा झटके खा रही वो। ओके ओके अब अच्छी चल रही है। हम चला रहे बैटरी की गाड़ी, क्या बात है यार। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही बहुत बढ़िया है इस पर और सही चल रही है यार, मस्त है। ये देखो अभी देखो इसका दूसरा मोड लगाया, ये तीसरा मोड है। ये इसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, इसके ऊपर की इसकी टॉप स्पीड नहीं है। बढ़िया यार ये गाड़ी। बैटरी वाली गाड़ी का फायदा ही होता है कि आपको ना पेट्रोल के पैसे बच जाते हैं। ओ भैया पेट्रोल इतना महंगा हो रखा है, 100 रुपये लीटर भैंस की। आप इसमें हॉर्न दो है देखो, टी टी। इसकी पावर डिलीवरी थोड़ी सी मेरे को कंफ्यूजिंग लगती है। अरे अरे इसकी पावर डिलीवरी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। सेकंड मोड में इसकी टॉप स्पीड है 35, फोर्थ मोड में इसकी डायरेक्ट 45 डायरेक्ट। मतलब ये देखो एक सेकंड रुका, ये 36 हो रही है ठीक है, ये फुल थ्रॉटल दिया है, फुल थ्रॉटल ठीक है। अभी मैंने दिया इसको ये सीधा 45, मतलब एक सेकंड नहीं लग रहा 45 पहुँचने में। अब पता नहीं वो स्पीडोमीटर पर दिखा रहा है इसलिए ऐसा है कि सही में ऐसा है। अच्छी है गाड़ी यार, बहुत कम्फर्टेबल है। मतलब ऐसा देखो आराम से आप चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। से आपको गाड़ी दिखाता हूँ मैं कि गाड़ी कैसी है। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा हूँ। वैसे आगे से दिखने में बहुत अच्छी है, ऐसा लगता नहीं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बहुत बढ़िया है। इसका नाम है सारा इवलॉस करके नाम है, इवलॉस, सॉरी मैंने अपना अनाउंस गलत किया होगा तो आई एम सॉरी। बाकी इसका नाम यही है और गाड़ी बहुत मस्त है। पीछे भी डिस्क ब्रेक है, आगे भी होगा ऑब्वियस, आगे भी डिस्क ब्रेक है और सही है यार गाड़ी। मतलब बैठने में बहुत कम्फर्टेबल है, नो डाउट, अच्छी है। ग्रैविरल्स भी पकड़ने के अच्छा है, मिरर्स थोड़े से शायद सेट करने पड़ेंगे, बाकी तो बढ़िया है। ये चालू हुई यहाँ से गाड़ी, अब इसको सिर्फ एक्सीलेटर देना है और चल पड़ती है। पिकअप बहुत भयंकर है भाई, कुछ भी बोलो पिकअप बड़ा अजीब इसका। ये इसकी अपर डिपर है, नहीं नहीं ठुकना था क्या? अबे साले तभी इसको पावर डिलीवरी समझ नहीं आई थी। मतलब अपन अगर दे रहे एक्सीलेटर तो अचानक से हु करके खींच लेती है, ये तो ये तो गलत है ना। अभी जैसे हल्का सा एक्सीलेटर दिखे अपने को, ट्रैफिक में चल रहे धीरे 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 हु कर दे तो खत्म। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल योर जनरल नेट शो में मेरा। आज तो कैसे आप सब लोग, मस्त एकदम बढ़िया टकाटक, सब बढ़िया सब चंगा सी। और आ चुके हैं वापस जिम से ठीक है, और अच्छा लग रहा है काफी ज्यादा। आज बहुत समय बाद जिम जाकर, आज मैं सोचता था कि मैं कहीं और जाऊंगा लेकिन नहीं भाई नहीं, सबसे पहले जाना जिम, वरना जिम के पैसे हो रहे बर्बाद, पैसा बर्बाद ठीक है। जिम की वजह से बर्बाद नहीं करने भैया, बहुत समय हो गया जिम नहीं गए भाई। अभी क्या कर सकते, देखो मेरी डाइट अच्छी नहीं थी, फिर ऊपर से आलसी आ गई, फिर वीडियोज भी बनानी है और सब कुछ करना। और वीडियो से याद आया एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी, उससे पहले एक चीज होती है ना कि जब भी आप कुछ वीडियो बनाते हो या फिर आप फिल्म बना रहे हो या फिर शॉर्ट फिल्म बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वीडियो से रिलेटेड काम कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें रहती है ना उस वीडियो में, उस वीडियो की क्वालिटी नहीं रहती, उस वीडियो की ऑडियो रहती है। जब भी आप कोई मूवी देखते हो या कोई वेब सीरीज देखते हो या कुछ भी या मेरी वीडियो देखते हो तो सबसे पहली चीज जो बंदा नोटिस करता है ना वो वीडियो होता है, लेकिन अगर वीडियो क्रिस्टल क्लियर है पर ऑडियो क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो वो वीडियो कोई काम की नहीं होती। मतलब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इफ सपोज आपकी वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी की है लेकिन आपकी ऑडियो ऑडिबल ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है, तो आपकी उस वीडियो का कोई काम नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने एक चीज मंगाई है मस्त एकदम ठीक है, अपन उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों से करनी है मेरे को। फटाफट से पहले उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मैं बताता हूं कि वो क्या चीज है। कौन रोकता था आपको?
तो माइक्स वगैरह की बात हो ही गई, तो हमारे पास कौन कौन से माइक है जो मैंने यूज़ करे हैं, भले से इस वीडियो के लिए हो, दूसरी वीडियोस के लिए हो, या फिर फिल्म मेकिंग वगैरह के लिए हो, किसी के लिए भी हो, तो मैंने कौन कौन से माइक्स यूज़ करे, तो वो सारे माइक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला जो माइक है मेरे पास वो है ये बोया का माइक, और ये काफ़ी अच्छा माइक है, नो डाउट काफ़ी अच्छा माइक है, लेकिन बस इसमें दिक्कत ये है ना कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो मैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए तो यूज़ नहीं कर सकता, बाकी नॉर्मल चीज़ों के लिए आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। ये बस एक और माइक था जो मैंने सोचा था कि मेरे फ़ोन वगैरह की अगर ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सुधर जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने ये वाला माइक मंगवाया था। अगर आपको याद हो तो सबसे बहुत मतलब लॉकडाउन लगने के बाद एक वीडियो बनाई थी मैंने प्रॉपर कि मैंने क्या क्या सेटअप यूज़ करता हूँ वगैरह वगैरह। ये बोया का ही माइक है, ये भी ये शॉटगन टाइप्स माइक है, इसमें क्या होता है ना कि काफ़ी अच्छी ऑडियो कैप्चर कर लेता है ये, और ये बॉबकैट लगाने से इससे क्या होता है कि विंड नॉइस कम हो जाती है, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ करा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो फ़ोन का माइक है वो इस माइक से ज़्यादा अच्छा माइक है। अब कैसे है वो मुझे नहीं पता, बट ऑलमोस्ट सेम रिकॉर्डिंग आती है, सेम टू सेम, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, हल्का फुल्का फ़र्क आता है, तो फिर मुझे लगा कि यार कहीं पैसे तो नहीं बिगाड़ ले, पैसा बर्बाद। माइक को कैमरे के साथ लगाओ ना तो सच में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, मेरे पास वो ये वाला है जो इसके अंदर लगा हुआ है ये माइक, ठीक है, ये ऐसा बाहर निकलता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये ना कभी कभी जो है ना वो रिकॉर्डिंग करना छोड़ देता है। इसका सॉल्यूशन अभी मेरे पास है, खोलते फटाफट से। सबसे अच्छी चीज पता है मेरे अनबॉक्सिंग में क्या लगती है, ये जो बबल रैप आता है ना इसके बाद, ये जब भी टाइम पास करना हो ना तो Alright, ladies and gentlemen, it is here. मस्त एकदम ना ऐसा अडाप्टर ये लगा करके माइक चेक कर लिया है, बढ़िया मस्त एकदम काम कर रहा है, बढ़िया रूप से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है, सब सही चल रहा है ये, और अच्छा है ना, आप देखो एकदम क्लीन टाइप सेटअप हो जाएगा ऐसा, तो थोड़ा साफ सुथरा भी दिखेगा, ऊपर से वो जो बार बार जो आवाज चले जाने का डर रहता था तो वो नहीं होगा। क्या बात है जी, इसको अपन साइड में रखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट है तो जगह बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बात ऐसी है कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने नोटिस करा होगा कि पिछले 9 दिन से सलंग वीडियो आ रही है, मतलब कि रोज एक 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 वीडियो आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, मतलब अचानक से क्या हो गया, क्या कंटेंट की बारिश हो गई क्या तेरे पे जो तू इतनी सारी वीडियो डाले जा रहा है? नहीं भाई, इसके पीछे का कारण ये कि मैंने खुद से खुद को और ये एक चैलेंज लिया था मैंने, 10 दिन 10 वीडियो डालने का चैलेंज लिया था मैंने, जो कि आपके सामने हाजिर है। 10 दिन 10 वीडियो के चैलेंज, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने सीखी है, इवन मेरे को टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़ है वो मैंने थोड़ा थोड़ा सा सीखा है, और मेरे लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना हमेशा से थोड़ा मुश्किल रहा है, बट मैंने वो चीज़ें सीखी है, मैंने जल्दी से जल्दी प्रोडक्टिविटी करना सीखी, मैंने बहुत कुछ सीखा, पता है पर्सनली मेरे को बहुत मज़ा आया इस चीज़ में। पहले मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि यार कैसे होगा, कैसे करूँगा सब मैं ये वो वगैरह वगैरह, बट फिर जब मैंने करा करके देखो अच्छा लगता है ना, तो हकीकत में तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि ऐसा लगा कि यार नहीं यार हो सकता है ये सब चीज़ें भी, इवन मैं कभी ट्राई करूंगा, अभी तो पक्का नहीं कह सकता मैं, बट मैं ट्राई जरूर करूंगा, 30 दिन 30 वीडियो का बिल्कुल ट्राई करूंगा, कोशिश पूरी रहेगी, थोड़ा कभी बीच में एक आधी गैप हो गया तो ठीक है, बाकी मैं पूरा ट्राई करूंगा जितना ज़्यादा जल्दी जल्दी हो सके वीडियो डालने की। इवन बस आप लोगों से एक चीज़ एक रिक्वेस्ट है, बस छोटी सी, कि अगर आप थोड़ा सा मतलब कि जितना हो सके थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट कर सके तो बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट में कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, कुछ नहीं करना, बस इतना करना है, अगर आप इतना कर देते हो ना तो उतना ही बहुत हो जाता है मेरे लिए, अगर आप लोग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरी गलती ये थी कि मेरे को शुरू में बताना था 10 दिन 10 वीडियो का चैलेंज का, कि आपको पहले से बताता मैं तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि डाउट था खुद पे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो इसीलिए मैंने ट्राई करा कि पहले सबसे पहले मैं एक बार ट्राई कर लूँ, अगर जम गया ना तो फिर आगे के चैलेंजेस और लेंगे। ठीक है, तो 10 दिन 10 वीडियो का चैलेंज ये वाली 10वीं वीडियो से खत्म होता है ऑफिशियली। कि आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको ये डेली ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा मैं, उस पर मेरे को एक फीडबैक देकर के बता सकते हो अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे, अगर अच्छे लग रहे तो उस पर वो सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं अच्छे लगे तो वो वाला सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि मैं उस हिसाब से थोड़ा सा कंटेंट और ज़्यादा ला पाऊँ। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपन इसको कंटिन्यू रखते हैं थोड़े दिनों तक, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो फिर वैसे ही पहले जैसे आएंगे, जैसे कि 2-2 दिन छोड़ के या 3-3 दिन छोड़ के वैसे ही आएंगे, हफ्ते में 2 वीडियो या 1 वीडियो ऐसे टाइप की आएंगी। अगर आपको ये जम रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली ब्लॉग्स डाल पाऊँ, जितना हो सके उतनी ज़्यादा ब्लॉग्स डाल पाऊँ। आज की इस वीडियो को यही सिंपल सोवर टाइप्स में रखते हैं, आई होप यहाँ तक देखने के बाद तो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगती तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नहीं हो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन उसको दबाओ और सफेद बनाओ मस्त एकदम, ठीक है, फैमिली के मेंबर भी बन जाओ हमारे मस्त एकदम के, पैसे वैसे थोड़े लगते हैं, हट पैसे वैसे नहीं लगते, तो जैसे मैं इसी के साथ।
मैं भी जा रहा हूँ अभी, बाय।